मॉर्निंग, हाउ आर यू? होमवर्क डन? ओए होए, ये हुई ना बात। सारा होमवर्क डन? बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ये सुनकर। होमवर्क किया आप लोगों ने? क्या दिया था होमवर्क? लेजर्स? क्यों लेजर्स दिया था? कल ली लेजर्स, 20 लेजर। चलिए तो आंसर बताएंगे। यस सर, जब सबने किया तो किसी से भी पूछ सकता हूं ना आंसर तो मैं। ये क्या बोल दिया सर, ऐसे थोड़ा ना होता है। ऐसे तो आप किसी से भी पूछ लोगे तो फिर हमने तो जो झूठ बोला होगा वो पकड़ा जाएगा, है ना? चलिए, किसी से भी पूछ सकता हूं मैं। अब अपने आप बता दो किस किस ने होमवर्क नहीं किया, रेज योर हैंड्स, ताकि उससे नहीं पूछूंगा। अभी देखो, यस, देखो कितनी आवाज आ रही थी। एक बार जरा ये देखो, जरा पार्शियल पे पहुंच गए। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं, पेपर पार्शियल मत करके आना, बस पेपर पूरा करके आना। कहीं आगे पूछ रहा हूँ पेपर किया? यस सर, पार्शियल किया है, बाकी अगली बार नहीं। अगली बार का कोई सीन नहीं है भाई, ठीक है, पहली बार ही में करना है पूरा पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में लेजर्स बनाने के लिए दी थी, और लेजर्स किसकी बनानी थी? क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का मैंने जर्नल बनाने के लिए दिया था। एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर जर्नल के आंसर्स भेज दो, ठीक है, तो आंसर्स जो है वो मैं क्लास में ही करवाऊंगा या क्लास में समझाऊंगा, और जब भी भेजूंगा वो मैं अपने आप आंसर्स भेज दूंगा। मेरे पास सारे आंसर्स हैं, सो डोंट वरी, ठीक है। लेकिन भेजने का एक टाइम होगा, अगर मैं क्लास से पहले ही भेज दूंगा तो क्या होगा, कई बच्चे आंसर टेप पर ही आ जाएंगे। तो आंसर भेजने का एक टाइम होता है, मैं अपने आप सेंड कर दूंगा, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, यस सर, थोड़ा सा तेज बोल। लास्ट एंट्री एक्सप्लेन कर दूं, वो सुनील वाली, सुनील वाली एंट्री कह रहे हो ना? सुनील वाली एंट्री में लास्ट ये था कि जो से कॉस्ट प्राइस है वो 20,000 है, और जो प्रॉफिट इसमें हमने ऐड किया है वो 20% है। पर 20% किसका था? सेलिंग प्राइस का 20% था। अब प्रॉब्लम ये, सेलिंग प्राइस हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। इसको निकालने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, एक्सलेट कर लो, सेल्स को एक्स ले लो, वो हो जाएगा 0.2x, उसके बाद ऐसे कर करके सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका जो मैं नहीं करवाता बट बहुत सारे टीचर्स करवाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने भी अपने टाइम पर जब पढ़ा था तो मुझे तब भी वो मेथड अच्छा नहीं लगा था। वो मेथड ये था, 1/3 of cost is 1/4 of sale, या 1/4 of cost is 1/5 of sale, ऐसे करके कुछ होता है, ठीक है, मुझे वो भी नहीं अच्छा लगता था, राइट तो मुझे क्या बेस्ट लगता है मैं आपको वो बता देता हूं। देखो इधर ध्यान से सर, सिंपल सी बात ये है, अगर प्रॉफिट और कॉस्ट को ऐड करके सेल्स आया है, प्रॉफिट और कॉस्ट को ऐड करके क्या है, प्रॉफिट सेल का 20% है, तो बचा हुआ क्या होगा, कॉस्ट। मतलब कॉस्ट कितने परसेंट है, 80%। तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से मैंने 20,000 को 80% से डिवाइड कर दिया, तो मेरा 25,000 सेल आ जाएगी, ठीक है, और यहां पर कितना आ जाएगा, 5,000। फिर मैं इसमें से माइनस करूंगा ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%, अगेन 5,000 माइनस होके वापस कितना आ जाएगा, 20,000। फिर मैं इसमें ऐड करूंगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, कितना परसेंट, 6-6%, यानी कि 1200 1200, कितने हो गए टोटल, 22,400। फिर इसमें उसने कार्टेज पे करी थी हमने उसके बिहाफ पे, 150 रुपए वो ऐड करेंगे, यानी कि हमने सुनील से लेने हैं 22,550 रुपए। क्लियर हो जाएगी अब एंट्री पक्का। चलिए तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या करवाना है वो करते हैं, उसके बाद आंसर डिस्कस करेंगे। पहले जो हमने क्लास का मेन टॉपिक है वो देखते हैं। तो एक बच्चा कह रहा है कि सर आई एम न्यू हेयर, प्लीज टेल मी विच टॉपिक इज गोइंग ऑन। तो हमने जर्नल कंप्लीट कर लिया है, और लास्ट क्लास में मैंने आपको जर्नल का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कराया था। ये जर्नल का क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन जर्नल का, जिसके अंदर सुरेश की बुक्स बनानी थी। हमने सुरेश की बुक्स में सारी जर्नल एंट्री पास करने के बाद हमने लेजर फोलियो में लेजर नंबर लिख दिए थे, यानी कि अगर बैंक का लेजर है तो उसके आगे 1 लिख दिया था, कैश का लेजर है तो उसके आगे 10 लिख दिया था, परचेस का लेजर है तो उसके आगे 3 लिख दिया था। जिस जिस पॉइंट ऑफ पॉइंट से लेजर थे हमने लेजर नंबर लिख दिए थे। एंड देन मैंने आपको एक लेजर क्लास में बनाकर दिखाया था बैंक का, जिसमें मैंने आपको ये बोला था कि आप नीचे लिख कर आएंगे डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल और बैलेंस, कि वो बैलेंस डेबिट है या
क्रेडिट है, राइट। ये हमारा बैंक का बैलेंस आया था। नाउ स्टार्ट करते हैं। इतना तो खैर अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो पता ही होगा। यस सर। 30th एंट्री, लास्ट एंट्री जो अभी करवाई है, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुनील, ठीक है, प्रॉफिट और ट्रेड डिस्काउंट को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। उसके आगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुनील कॉमा कार्टेज पेड बट चार्ज्ड फ्रॉम सुनील, फुल स्टॉप। ठीक है, कार्टेज हमने पे करी लेकिन हमने वो कार्टेज किससे चार्ज कर ली है, सुनील से, तो इसलिए हम उसको मेंशन नहीं कर रहे, राइट, क्लियर है। चलिए तो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट जो मुझे आज की क्लास में आप लोगों का क्लियर करना है, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो कि आप सब लोगों को आता है पर कई बच्चों को या तो गलत आता है या फिर कई बच्चों को पता नहीं है। तो मैं अपना कॉन्सेप्ट पूछने जा रहा हूं पहले आप लोगों से, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तो मैंने एक लेजर बनाया, बीस लेजर्स हैं ऊपर, कोई भी एक लेजर सजेस्ट करो ना मुझे, मैं कौन सा बनाऊं। बैंक तो बना ही दिया था, कोई और सजेस्ट करो। परचेजेस का बना लूं या कैश का बनाऊं? कैश का बनाऊं, चलिए कैश का बनाते हैं, कैश अकाउंट बना लेते हैं, राइट। कैश अकाउंट में एंट्री ढूंढने के लिए मैं गया, पहली एंट्री में कैश नहीं है, दूसरी में भी नहीं है, तीसरी में भी नहीं है, चौथी में हमने कैश में सेल करी थी। तो कैश अकाउंट की कौन सी साइड पे आएगा ये? डेबिट साइड पे, टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, टू सेल्स अकाउंट 10,900, टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी 654, राइट। वापस आते हैं, 4th अप्रैल की एंट्री हो गई, देन 5th अप्रैल को हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस पे करे हैं कैश में, तो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय सन्ड्री एक्सपेंस $3,000। देन इसके बाद महिंद्रा से पैसे आए थे, वो एंट्री हमने कैश में करी थी, है ना, कैश में करी थी, महिंद्रा से जो कैश आया था और जो ₹2,000 कैपिटल आई थी वो भी हमने कैश में करी थी, टू महिंद्रा $6,000, टू कैपिटल $2,000, और उसके बाद एक हमने अनीता को सेल करी थी, टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, और एक शायद हमने वो पे किया था फ्रेट कार्टेज, तो वहां पे कैश लिखा हुआ है। आपने क्या लिखा, कैश या बैंक? कुछ भी लिख सकते हैं सर, लास्ट लास्ट तक तो आपने भी कैश बैंक ही लिखा था, आपने कैश कर दिया, अब तो हमारी क्या गलती है? नहीं कोई बात नहीं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने बैंक में नहीं डाला उसको, तो कैश में डाल देता हूं, बाय सुनील, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, या पड़ेगा कोई फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अनीता को जो सेल करी थी वो कितने की थी? 20,000 थी ना, एक बार देख लो कितनी थी अनीता, 24,000, सिर्फ 4,800। अच्छा जी, और 288 सीजीएसटी एंड 288 एसजीएसटी। अब हम टोटल करेंगे, जैसा कि सर आपने होमवर्क में हमें दिया था कि सबसे पहले डेबिट का टोटल लिखना नीचे, तो हमने लिखा कि डेबिट का टोटल आ रहा है 10,900 प्लस 654 प्लस 654 प्लस 6,000 प्लस 2,000 प्लस 4,800 प्लस 288 प्लस 288 25,584। सर फिर इसके बाद आपने होमवर्क में बोला था क्रेडिट का टोटल जरूर लिखना, तो सर वो आ रहा है 3,150, पर कई बच्चों का हो सकता है 3,000 आ रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ₹150 बैंक में कम आ जाएगा, यहाँ मेरा कैश में कम आ जाएगा। सर इसके बाद आपने लिखा था कि बैलेंस जरूर लिखना, तो बैलेंस के लिए सर हम इसमें से 3,150 माइनस करते हैं तो आ जाता है 22434,
सर जो ज्यादा टोटल होता है वो हम दोनों तरफ लिखते हैं 25584, और इधर भी हम लिखते हैं 25584, ठीक है। और यहां पर बैलेंस बचता है 22434, जिसको हम बोलते हैं बाय बैलेंस सीडी। और सर फिर हम इसको डेबिट में ले जाते हैं और हम इसको ले जाकर बोलते हैं टू बैलेंस बीडी 22434। और सर हम ट्रायल बैलेंस बनाते समय डेबिट साइड पर जाके ये बैलेंस लिख देते हैं, से यस और नो, यस वाई ऑन डेबिट साइड। डेबिट साइड क्यों लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में, आई नीड द रीजन। जी बताइए, जो आंसर देना चाहता है रेज योर हैंड और थोड़ा जोर से आवाज में आंसर दीजिए, बुलंद आवाज में। मैं इसको ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर क्यों लिखता हूं, क्यों, वाई? बैलेंस आया, मैं कह रहा हूं 22434 लिखूंगा, पर डेबिट में क्यों, क्रेडिट में क्यों नहीं? क्योंकि क्रेडिट साइड पे सीडी था, डेबिट साइड पे बीडी है, तो इसलिए डेबिट में आएगा, है ना। अच्छा, अगर मैं ये डेबिट साइड पे बीडी ना लिखता तब मैं ट्रायल बैलेंस में कहां लिखता? सर तब भी मैं डेबिट में लिखता, क्योंकि क्रेडिट साइड पे सीडी है तो ये डेबिट में ही जाएगा। मैं रीजन पूछ रहा हूं यार, आप मुझे रट्टे वाली बात बता रहे हो, क्यों जाएगा? और दूसरा रीजन मैं आपसे ये चाहता हूं कि सर ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, क्यों है? ये तो क्रेडिट साइड पे बच रहा है तो डेबिट बैलेंस काहे का? सर आपको नहीं पता कि जिस साइड बीडी आता है वो बैलेंस होता है, नेक्स्ट ईयर बीडी आ रहा है ना तो डेबिट बैलेंस है, खत्म बात। यार कैसे रीजन दे रहे हो यार, मैं आपको ये रीजन दूंगा, आप मान लोगे ये रीजन कि सर डेबिट साइड पे बच रहा है इसलिए डेबिट बैलेंस है, मतलब डेबिट साइड बीडी आएगा डेबिट बैलेंस है। यार ये क्या बात हुई, क्रेडिट साइड सीडी आ रहा है, सीडी ने बेचारे ने ऐसा क्या किया? क्रेडिट साइड पे बच रहा है तो उसको क्रेडिट बैलेंस क्यों नहीं बोलते? बच तो क्रेडिट साइड रहा है ना। अगर मैं आपको 11th क्लास में पढ़ाता होता तो मैं 11th क्लास में आपसे एक क्वेश्चन पूछता तो आप डेफिनेटली आंसर क्रेडिट बैलेंस देते, क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड पे बच रहा है, क्योंकि आप इंटेलिजेंट बनकर आए हो 11th से, ये पढ़कर आए हो कि ये डेबिट में आएगा इसलिए आप डेबिट आंसर दे रहे हो, अदरवाइज लॉजिकली लॉजिकली आप इसको बिना पढ़े क्रेडिट बैलेंस ही बोलते। अगर आप किसी ऐसे बंदे से पूछोगे ना जिसको कॉमर्स नहीं आती, वो इसे क्रेडिट बैलेंस बोलेगा, और क्यों बोलेगा? वो कहेगा अंधा है क्या, दिख नहीं रहा, क्रेडिट साइड पे बच रहा है तो क्रेडिट बैलेंस है, यस और नो? तो दो ना रीजन, फिर आप डेबिट, आप कॉमर्स से हो तो डेबिट क्यों है बताओ? एक बच्चे ने कहा सर एसेट का बैलेंस डेबिट होता है इसलिए डेबिट। अच्छा एक बात बताओ, मुकेश नाम का एक बंदा है, वो एसेट है लाइबिलिटी, ये कैसे पता लगेगा? मान लो मैं उससे गुड्स खरीदता भी हूं, उसको बेचता भी हूं, तो मेरी एसेट है लाइबिलिटी, पता ही नहीं चलेगा। फिर क्या बोलोगे, मुकेश एसेट था इसलिए डेबिट या मुकेश लाइबिलिटी था इसलिए क्रेडिट? कंफ्यूज हो जाओगे ना। कोई सॉलिड रीजन दो, एक ऐसा रीजन जिसको देख के पता लग जाए, हाँ सर अब आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, यस सर प्लीज। जी जी ओके, वेरी नाइस आंसर, परफेक्ट आंसर। What he is saying is word to word correct. He is saying, देखो सर आपने जब जब कैश आया आपने क्या किया, डेबिट। जब जब कैश गया आपने क्या किया, क्रेडिट। आपने सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी, देन आपने दोनों साइड का टोटल किया, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी। अब आपका डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से ज्यादा आ रहा है, हाँ या ना? तो आपने डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल क्या कर दिया, तो बैलेंस जो बच गया वो डेबिट का हुआ या क्रेडिट का? सर डेबिट साइड ज्यादा थी, ज्यादा में से कम माइनस किया तो जो बचा वो ज्यादा का है ना, वो कम का थोड़ा ना है, यस या नो? एक बात बताओ, अगर आपका रेवेन्यू 1,00,000 है, आपकी जो एक्सपेंस है वो 40,000 है, तो 60,000 जो बचा वो आपका क्या है, प्रॉफिट है ना, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो एक्सपेंसेस से ज्यादा है। अगर रेवेन्यू एक्सपेंस से कम हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, यस और नो? तो सिमिलरली डेबिट बैलेंस अगर क्रेडिट बैलेंस से ज्यादा है, डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से ज्यादा है, तो जो बचेगा वो डेबिट का बैलेंस होगा ना, भले ही वो क्रेडिट साइड पे बच रहा है लेकिन वो बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट का। और अगर क्रेडिट का बैलेंस होगा तो वो कैसे होगा कि क्रेडिट साइड जो होगी वो डेबिट साइड से ज्यादा होगी, बचेगा डेबिट साइड पे, लेकिन उस बैलेंस को हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट बैलेंस। आज के बाद ये मत बोलना कि एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा,
मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी बात को फिर दोबारा सुन लो। मैं मानता हूं एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा, पर बैंक भी एसेट होती है, लेकिन बैंक का बैलेंस कभी कभी डेबिट नहीं होता, बैंक का बैलेंस कभी कभी क्रेडिट हो जाता है, जिसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। लेकिन ये हमें साल के शुरू में नहीं पता होता, हम तो उसको एसेट ट्रीट करके चलते हैं, बाद में जाके पता लगता है वो बैंक नहीं रहा, वो तो अब क्या बन गया, ओवरड्राफ्ट बन गया, तो बाद में जाके पता लगता है। इसीलिए जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल करने के बाद हम ये देखते हैं कि कौन सा टोटल ज्यादा आ रहा है, और वो टोटल दोनों तरफ मेंशन करते हैं। अगर डेबिट का ज्यादा आ रहा है तो डेबिट वाला मेंशन करते हैं, क्रेडिट का ज्यादा आ रहा है तो क्रेडिट वाला मेंशन करते हैं। तो जो बैलेंस बचता है वो वही होता है जिसका टोटल ज्यादा होता है, क्योंकि उसी का ही तो बचेगा। यस और नो, सिंपल सी एक और एग्जांपल दे रहा हूं। लेट्स से मेरे पास 100 रुपए हैं, आपके पास 80 रुपए हैं, हम दोनों ने बोला कि हम इक्वल पैसे देंगे, तो आपने भी 80 दे दिए, मैंने भी 80 दे दिए, तो 20 रुपए किसके पास बचे, मेरे पास, क्योंकि मेरे पास ज्यादा थे, तो जिसके पास ज्यादा थे उसी का ही बैलेंस बचेगा ना। तो यहां पर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा थी, दैट मींस डेबिट का बैलेंस बचेगा। तो ये जो 22,434 आ रहा है ये क्रेडिट बैलेंस नहीं है, ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। और अब बताओ, अगर अब आप किसी नॉन कॉमर्स स्टूडेंट को या किसी भी ऐसे बंदे को जिसको कॉमर्स का नहीं पता उसे समझाओगे, क्या वो बात मानेगा या नहीं मानेगा, 100% मानेगा आपकी बात। ठीक है, क्लियर है ये बात, एनी डाउट टू एनीवन, श्योर, पक्का ना। चलिए तो एक नोट बना के लिख लीजिए, लिखिए नोट बना के। एक और बच्चे ने सही आंसर दिया था, डेबिट बैलेंस इज लेस देन क्रेडिट बैलेंस, इसलिए वो डेबिट बैलेंस होगा। नोट बना के लिखिए, whenever total of debit side is greater than total of credit side, whenever total of debit side is greater than total of credit side, the balance left over on credit side is always a debit balance. बोलो बात समझ आई या नहीं आई? जब भी debit side का total credit side के total से ज्यादा होगा तो जो credit side पे बचेगा, obviously बचेगा कहां पे, credit side पे, लेकिन हम उसको बोलेंगे क्या, debit balance। अब इसका वाइसा वर्सा क्या बनेगा बताओ, क्रेडिट के लिए क्या लिखोगे बताओ, whenever the total of credit side is greater than the total of debit side, the balance left over on the debit side is always a credit balance, लिख लो अपने पास। So, आज के बाद कभी किसी को ये रीजन मत देना कि इस साइड, इस साल का जो क्लोजिंग होता है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जाता है, इसलिए ऑपोजिट साइड पे आता है। ऑपोजिट साइड पे क्यों आता है उसका भी कारण है, और कारण यही है, क्या कारण है उसका, क्यों आता है ऑपोजिट साइड पे, क्योंकि जो क्रेडिट साइड बचता है वो क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, वो कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। मैं सीरियसली बता रहा हूं, 90% स्टूडेंट को यही रीजन पता होता है कि ऑपोजिट साइड आएगा इसलिए डेबिट साइड पे लिखना है, क्रेडिट में बच रहा है तो डेबिट में लिखना है, डेबिट में बच रहा है तो क्रेडिट में लिखना है, पर ऑपोजिट साइड क्यों आएगा, बस आएगा, रूल है, रूल में लिखा हुआ है। कौन सी रूल में लिखा है, कोई रूल नहीं है ऐसे, हर चीज का रीजन होता है। सो इज दिस क्लियर। चलिए अब हम आते हैं कि ऐसा कोई बच्चा जिसने लेजर सारी बनाई हो, 20 की 20 लेजर बनाई हो, और नीचे डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल और डेबिट क्रेडिट बैलेंस सबने लिखा हुआ है, कोई बच्चा ऐसा है ना, बस ठीक है, रीजन क्या है मैं अभी बताता हूं। मुझे एक आधा बच्चा ऐसा चाहिए था मिनिमम, कोई बात नहीं। आज की क्लास में मैं आपको समझाने जा रहा हूं ट्रायल बैलेंस। व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस, क्या होता है ट्रायल बैलेंस,
सर एक तो आप क्वेश्चन बहुत पूछते हो, है ना, जो समझाने लगो पहले पूछ लोगे, क्या होता है बताओ, मेरी आदत है भाई। व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस, क्या होता है? समरी ऑफ अकाउंट, समरी ऑफ लेजर अकाउंट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। जहां पर सभी लेजर अकाउंट की समरी आएगी उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। क्लियर है? ट्रायल बैलेंस बनाने के आज तक आपने पढ़े हैं सिर्फ एक मेथड, 11th क्लास में आपने एक ही मेथड पढ़ा है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस मेथड। लेकिन एक और मेथड होता है ट्रायल बैलेंस बनाने का, और उस मेथड को हम बोलते हैं टोटल मेथड। पहले काम करते हैं, पहले टोटल मेथड कर लेते हैं, फिर हम करेंगे बैलेंस मेथड। ठीक है, पहले कौन सा करते हैं? टोटल मेथड। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है। सबसे ऊपर आता है ट्रायल बैलेंस, क्योंकि लेजर का बैलेंस हर रोज चेंज होता है, हर रोज चेंज होता है, इसलिए ट्रायल बैलेंस पूरे पीरियड का नहीं बनता, किसी पर्टिकुलर डेट का बनता है, 31 मार्च 2022 मान लेते हैं जैसे कि। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट सिंपल होता है, बिल्कुल जर्नल की तरह। सबसे पहले आता है सीरियल नंबर, उसके बाद आता है नेम ऑफ अकाउंट, यानी कि आप जो अकाउंट लिख रहे हो उसका नाम क्या है। देन उसके बाद आता है लेजर फोलियो, यानी कि जो आपने लेजर बनाई है उसका नंबर क्या था। एंड देन इसके बाद आता है डेबिट का टोटल एंड क्रेडिट का टोटल। अब नोट करने का टाइम खत्म है, अब सुनने का टाइम है, बाद में नोट करना। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे कि हमने लेजर बनाई थी बैंक की, सबसे पहले लेजर किसकी बनाई थी? बैंक, जिसका लेजर फोलियो नंबर 1 था। ठीक है, जिस जिस बच्चे ने बैंक की लेजर बनाई है और जिस जिस बच्चे ने होमवर्क किया है, उसने ये देखा होगा कि डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो 1,10,000 है और क्रेडिट साइड का टोटल 41,060 रुपीज है। जिसने बैंक की एंट्री वहां करी होगी उसने वो कर दिया होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डेबिट का टोटल है 1,10,000 और क्रेडिट का टोटल है 41,060 रुपीज। सर ये कैसा ट्रायल बैलेंस बना रहे हो? हमने तो सुना था कि बैलेंस लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस का मतलब भी ट्रायल बैलेंस है, तो बैलेंस लिखो ना। लेकिन ये ट्रायल बैलेंस हम बना रहे हैं टोटल मेथड से। कौन से मेथड से बना रहे? तो टोटल मेथड में टोटल लिखा जाता है, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल। ठीक है, तो बहुत सिंपल मेथड है। लेकिन ये बात आप भी समझते हो कि इस मेथड का पेपर में आना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, ध्यान से सुनना। पेपर के अंदर या तो वो आपको सभी लेजर्स का डेबिट और क्रेडिट का टोटल देगा, या फिर वो आपको लेजर्स बनाने के लिए देगा और आपको खुद डेबिट और क्रेडिट का टोटल निकालना होगा। आपको क्या लगता है कि आपको सारी लेजर्स सीए फाउंडेशन में बनाने के लिए आएंगी? अच्छा, अगर वो आपको डेबिट और क्रेडिट का टोटल दे ही देगा क्वेश्चन में, तो फिर आपको करना क्या? वो तो जो बना हुआ एज इट इज बना के आ जाना, खत्म बात। तो उसको तो कुछ करने की, चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसके पेपर में आने के चांसेस कम है, बट थ्योरिटिकल क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए ध्यान से सुन लो। तो पहला आ गया बैंक अकाउंट, जिसमें हमने डेबिट और क्रेडिट का टोटल लिख दिया। दूसरा हो गया कैपिटल अकाउंट। तो जिस जिस बच्चे ने कैपिटल अकाउंट बनाया होगा उसने ये देखा होगा कि डेबिट साइड पे टोटल नहीं है, जीरो आ रहा है, लेकिन क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 62,000। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 62,000। एम आई राइट? गलत तो नहीं बोल रहा मैं? सही है ना। तीसरा था परचेजेस का, परचेजेस का कितना? क्रेडिट साइड पे जीरो आ रहा होगा और डेबिट साइड पे 34,600। देन फोर्थ है इनपुट सीजीएसटी का, इनपुट सीजीएसटी फॉर डेबिट साइड, क्रेडिट साइड जीरो आ रही है, डेबिट साइड कितना आ रहा है? 1,680। और इनपुट एसजीएसटी बिल्कुल सेम चल रहा होगा इसकी तरह, इनपुट एसजीएसटी भी 1,680 आ रहा होगा। थैंक यू। ओके, देन इसके बाद सिक्स नंबर किसका है? किसका? मुस्कान एंड कम, उसका भी एक डेबिट बैलेंस आ रहा होगा सिर्फ 7,504।
क्रेडिट साइड जीरो. सेवेंथ सेल्स, सेल्स में सिर्फ क्रेडिट साइड पे टोटल आ रहा होगा कितना, 52,000, 42,400. ओके, देखो मैंने सारी लेजर नहीं बनाई इसलिए मैं आपकी हेल्प ले रहा हूं, आपके भरोसे पे चल रहा हूं, मेरा भरोसा मत तोड़ना, पता चले लास्ट में आके ट्रायल बैलेंस मैच ना हो, ठीक है, इसलिए आपके भरोसे पे चल रहा हूं मैं. ओके, एट, एट कौन सा था, आउटपुट सीजीएसटी कितना, 254 पक्का. तो अरे तो बताओ ना यार, मैं 254 लिख रहा हूं, नहीं नहीं 2544, और आउटपुट एसजीएसटी भी 2544. अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर लेजर नंबर आप लिख रहे हो तो फिर लेजर फोलियो लिखने की क्या जरूरत है, सीरियल नंबर भी तो लिख ही रहे हो, तो सेम सेम ही आ जा रहा है. अभी देखते हैं, सबर. टेंथ, अगला किसका है, कैश, कैश का मैंने खुद बना रखा है, मैं उसके हिसाब से लिख लेता हूं. कैश का 25584 और 3150, तो कई बच्चों का हो सकता है 150 रुपए का फर्क आ रहा हो, तो कोई बात नहीं, 25584 एंड 3150. चलिए 11 नंबर, सन्ड्री एक्सपेंसेस 3000, सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आ रहा होगा 3000 और क्रेडिट का टोटल जीरो. नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिटिंग्स, डेबिट में आ रहा है कितना टोटल, 4000 और क्रेडिट साइड पे जीरो. 13th इनपुट आईजीएसटी, इसमें तो डेबिट और क्रेडिट दोनों में आ रहा होगा, डेबिट साइड पे कितना है, 1260, 1272 और यहां पे 180, ठीक है. देन रमेश एंड ब्रदर्स आएगा या नहीं आएगा, उसका बैलेंस तो जीरो है सर, बैलेंस नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, टोटल. क्या टोटल जीरो है, ना टोटल जीरो नहीं है, तो रमेश एंड ब्रदर्स आएगा कितने से, अमाउंट बताइए, 11872 रुपीस, ठीक है जी. 14 तक हो गया, 6 लेजर्स और बचे हैं अभी, बताइए 15 कौन सी है, परचेज रिटर्न 1500 रुपए, क्रेडिट डेबिट जीरो, 1500 रुपए क्रेडिट. देन डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड है अगला कौन सा, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड पे आ रहा होगा 692 रुपीस. बैंक चार्जेस डेबिट साइड पे 200 रुपए. नेक्स्ट रिदीज लोन 50,000 क्रेडिट साइड, नेक्स्ट महिंद्रा क्रेडिट साइड 6,000, लास्ट सुनील डेबिट साइड 22,550. क्लियर, यस, हाँ जी, क्या 14th क्या सेम ही लिखेंगे ना, टोटल सेम आ रहा है दोनों साइड, आप देखो 11872 ही आ रहा है टोटल, बैलेंस तो जीरो आ रहा है उस केस में, तो दोनों साइड सेम टोटल आ रहा है तो सेम लिखेंगे, हम तो टोटल लिख रहे हैं यहाँ पे, तो टोटल कोई भी लिख सकते हैं दोनों साइड पे जो आ रहे हैं, एक्चुअल टोटल लिखेंगे, ठीक है. चलिए अब है कैलकुलेशन टाइम, डेबिट साइड का टोटल करेंगे जल्दी जल्दी, करो जल्दी से. 110,000 प्लस 34,600 प्लस 1680 प्लस 1680 प्लस 7504 प्लस 25584 प्लस 3000 प्लस 4000 प्लस 1272 प्लस 11872 प्लस 200 प्लस 22,550, तो ये आ गया टोटल 223,942 रुपीस. अब क्रेडिट साइड का टोटल नीचे से कर लेते हैं, 56,000 प्लस 692 प्लस 1500
प्लस 11872 प्लस 800 रुपये, 800 नहीं है 180 है, 180 रुपये प्लस 3150 प्लस 2544 प्लस 2544 42,400, 62,000 एंड 41,060 रुपीज, 223,942। तो सही किया आप लोगों ने बिल्कुल, क्योंकि दोनों साइड का टोटल मैच कर गया। टोटल मेथड क्लियर है ट्रायल बैलेंस का, पक्का श्योर? नोट कर लो इसको। यस, कुछ पूछना? नोट कर लो जल्दी से टोटल बैलेंस, टोटल मेथड ट्रायल बैलेंस का। यस सर, किसमें? बैंक अकाउंट, अकाउंट वर्ड लिखना है साथ में आपको। देखो जो बच्चे करके आए हैं बातें मत करो, अच्छी बात है आपने किया, पर बातें करने के लिए नहीं किया आपने। डिस्काउंट रिसीव्ड 692। अकाउंट लिखना, डन।
चलिए, तो ये तो हो गया हमारा कौन सा मेथड, टोटल मेथड। एक बार हम इसको बना लेते हैं बैलेंस मेथड से भी, ठीक है। तो फिर हमारे को ट्रायल बैलेंस के दोनों मेथड आ जाएंगे, टोटल मेथड भी आ जाएगा और बैलेंस मेथड भी आ जाएगा। एक बार बैलेंस मेथड से हम सेम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022, सीरियल नंबर नेम ऑफ अकाउंट लेजर फोलियो डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, सीरियल नंबर नेम ऑफ अकाउंट डेबिट क्रेडिट, ये बैलेंस मेथड है। पहला बैंक से यस और नो, बैंक था पहला, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना बच रहा था, जाकर ऊपर देखते हैं हम अपने लेजर में 68,940 रुपीस। हो सकता है आप लोगों का 150 रुपए कम आ रहा हो, यानी कि 68,790 रुपीस। वो फर्क डिफरेंस हो सकता है वो 150 रुपए के फ्रेट का, कार्टेज का सिर्फ। तो ठीक है, एनीवेज जो भी है 68,940 आ रहा है मेरा बैंक का। कौन सी साइड पे बच रहा था, क्रेडिट साइड पे। तो हम उस बैलेंस को क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा थी और क्रेडिट साइड कम थी। तो 68,940 डेबिट साइड पे आएगा और ये लेजर फोलियो नंबर वन है। सर फिर आप लिख रहे हो, ऊपर भी तो लिखे थे आपने, तो सारे ही लेजर्स आए थे, वही सीरियल नंबर थे, वही लेजर्स थे, लेकिन यहां फर्क पड़ेगा एक, अभी देखना क्या। दूसरा परचेजेस या कैपिटल, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड उसमें नहीं थी तो डेबिट साइड पे बच रहा था, पर वो बैलेंस कौन सा कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस। तो 62,000। देन थर्ड इज परचेजेस, क्रेडिट साइड पे बच रहा था तो वो कहलाएगा डेबिट बैलेंस, कितना था, 34। देन इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, कौन सी साइड पे बच रहा था, सर क्रेडिट में बच रहा था, कहलाएगा डेबिट बैलेंस, कितना था, 1680। अगेन इनपुट एसजीएसटी, सेम रीजन 1680। देन इसके बाद मुस्कान एंड कंपनी कितना है, मुस्कान एंड कंपनी 7,504, क्रेडिट बैलेंस डेबिट, डेबिट बैलेंस। देन सेल्स, क्रेडिट बैलेंस कितना, 42,400। देन आउटपुट सीजीएसटी, क्रेडिट बैलेंस 2,544, आउटपुट एसजीएसटी, क्रेडिट बैलेंस 2,544। देन कैश, कितना बैलेंस आ रहा था मेरा कैश का, टू टू फोर थ्री फोर, डेबिट या क्रेडिट, सर क्रेडिट साइड पे बच रहा है क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा थी तो डेबिट बैलेंस 22434। तो कैश अकाउंट में आ गया 22,434 रुपए। देन 11th सन्ड्री एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस होगा, सॉरी कैश को क्रेडिट में लिख दिया मैंने, 22,434 सन्ड्री एक्सपेंसेस, डेबिट बैलेंस 3,000। देन फर्नीचर, डेबिट बैलेंस 4,000। देन इनपुट आईजीएसटी,
डेबिट बैलेंस बच रहा होगा इसका कितना, 1092। देन 14th, 14th कौन है, रमेशन ब्रदर्स का बैलेंस कितना है, जीरो। मतलब रमेशन ब्रदर्स अब नहीं आएगा, रमेशन ब्रदर्स ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, लेजर का सीरियल नंबर हो गया 14, लेकिन लेजर फोलियो में अब सामने क्या आएगा, 15। ये डिफरेंस है सीरियल नंबर और लेजर फोलियो में, कि अब एक बीच में से रमेशन ब्रदर की लेजर गायब हो गई, तो सीरियल नंबर तो कंटिन्यूएशन में रहेंगे लेकिन लेजर फोलियो नंबर कंटिन्यूएशन में नहीं रहेंगे, एक्चुअल लेजर फोलियो नंबर आएगा, दैट इज 15। कितना आ रहा है परचेज रिटर्न, 1500 का क्रेडिट बैलेंस। देन इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट बैलेंस 692। देन बैंक चार्जेस 200 रुपीज। देन रिद्धिज लोन अकाउंट 50,000। महिंद्रा क्रेडिट साइड पे 6,000। एंड लास्ट सुनील 22,550। चलिए टोटल करिए, टोटल करिए जल्दी से, 68,940, 34,600, 1,680, 1,680, 7,504, 22,434, 7,000, 1,092, 22,750, 1,67,680। हाँ हाँ कोई बात नहीं, क्यों 200 रुपये ये नहीं लोगे बैंक चार्जेस, मैंने उसको 750 लेके इकट्ठे कर दिया ना, 56,000, 692, 1500, 2,544, 2,544, 42,400 एंड 62,000, 1,67,680 करेक्ट टोटल आ रहा है। जी इज दिस क्लियर, श्योर, पक्का, कोई डाउट किसी को, एनी डाउट टू एनीवन? टोटल मेथड और बैलेंस मेथड दोनों क्लियर हैं, तो इसका मतलब हमारा जर्नल तो हो ही गया था, लेजर्स भी हो गया, लेकिन ट्रायल बैलेंस का भी एक क्वेश्चन बचा है, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है, जो पेपर में आता रहता है, वो करना बचा अभी, एक वो कर लेते हैं, एक मैं करवाता हूं, एक आप करना, ट्रायल बैलेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये तीन चैप्टर्स हमारे खत्म हो जाएंगे, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, पर एक वो क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, वो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। हाँ जी करना भी वो? अच्छा ये लो नोट कर लो पहले,
डन कर लिया नोट सबने? श्योर, चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे. अ बुक कीपर एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019. ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है. यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द एरर गिविंग रीजन, मतलब इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है शायद, तभी वो कह रहा है कि रीजन दो कि क्या गड़बड़ है, और फिर इसको दोबारा सही से बना के दिखाओ. चलिए पहले गलतियां तो ढूंढे. फर्नीचर कितना दिया हुआ है डेबिट बैलेंस? 10,000. हाँ ठीक है, डेबिट बैलेंस ही तो होता है फर्नीचर का, सही है. कैपिटल कितनी दी हुई है? 1,00,000. कहां पर? क्रेडिट में, सही है, कैपिटल भी क्रेडिट होती है. डेटर्स 1,00,000 डेबिट में, सही है. स्टॉक ओपनिंग डेबिट में, सही है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में ही तो आता है. क्रेडिटर्स 40,000 क्रेडिट में, सही है या गड़बड़ है? सही है, सही है. ट्रेड एक्सपेंसेस 25,000 डेबिट में, सही है. सेल्स 4,29,000 क्रेडिट में, सही है. वेजेस 15,000 डेबिट में, सही है या गलत है? सही है. क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में दिया हुआ है. क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में आता है? याद करो वो दिन जब आपको फाइनल अकाउंट्स करवाया गया था 11th क्लास. क्लोजिंग स्टॉक कहां आता था? ट्रायल बैलेंस में ही दिया होता था, ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया होता था अलग से कि क्लोजिंग स्टॉक इतने का है. आप उसको दो जगह रिकॉर्ड करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट में और एसेट साइड पे. मतलब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में, ये पहली गलती है इसमें. दूसरी गलती ढूंढते हैं. मशीनरी क्रेडिट में, पागल है क्या ये? मशीनरी एसेट होती है, एसेट का बैलेंस क्या होता है? दूसरी गलती, दो गलतियां हो गई. परचेजेस 3,12,500, सही है. वाइफ्स लोन टू बिजनेस, वाइफ ने बिजनेस को लोन दिया. अरे किसी ने भी दिया हो, बिजनेस को लोन दिया है ना, मतलब बिजनेस ने लोन, तो बिजनेस की लायबिलिटी कहां जाना चाहिए? कहां दिया है? गलत है. तीन गलतियां. डिस्काउंट अलाउड 2,000, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है भाई, एक्सपेंस का नेचर डेबिट होता है, डेबिट में आना चाहिए, कहां दिया है? चार गलती. ड्रॉइंग्स मेड बाय द प्रोप्राइटर, ड्रॉइंग्स कैपिटल का उल्टा होता है, कॉन्ट्रा कैपिटल होता है, कैपिटल क्रेडिट में आती है तो ड्रॉइंग्स, ये भी गलत है. पांच गलती. मोटर वैन 30,000, चलो ये सही है. मतलब पांच गलतियां हैं, रीजन पांचों का हमने बता दिया, अब इसे रीड्राफ्ट करना है यानी कि दोबारा बनाना है. तो दोबारा बनाएंगे कैसे? मैं अभी इसी में ही ठीक कर रहा हूं, मैं इसी को ही ठीक कर रहा हूं. आप दोबारा बनाएंगे अगले वाला क्वेश्चन, ये वाला नहीं. तो अगर मैं इसे दोबारा बनाऊंगा तो क्या करूंगा? सबसे पहले फर्नीचर सही है, कैपिटल सही है, डेटर सही है, ओपनिंग स्टॉक सही है, क्रेडिटर सही है, ट्रेड एक्सपेंस सही है, सेल सही है, वेजेस सही है. सबसे पहले तो क्लोजिंग स्टॉक यहां पर नहीं आएगा. क्लोजिंग स्टॉक कहां आएगा? क्लोजिंग स्टॉक आएगा नीचे, यहां पर लिखेंगे हम वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज ₹49,000. बोलो बात समझ आई? पहली गलती तो ये हो गई. इसके बाद मशीनरी गलत है, मशीनरी कहां आएगी? डेबिट साइड पे 25,000. रीजन क्या लिखेंगे? सिंस मशीनरी इज एन एसेट, सिंस मशीनरी इज एन एसेट, इट कैन नॉट बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड, देयरफॉर इट इज अ डेबिट बैलेंस. ओके नेक्स्ट. परचेजेस सही है. वाइफ लोन टू बिजनेस गलत है. क्या लिखेंगे? सिंस इट इज अ लायबिलिटी, इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड. डिस्काउंट अलाउड गलत है, कहां आएगा? डेबिट में 2,000, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस. 22,500 गलत है, ड्रॉइंग्स यहां आएंगी. चलिए टेल मी द करेक्ट टोटल, सही टोटल बताइए, टोटल सही करके बताइए कितना आएगा. 10,000, 1,00,000, 52,000, 25,000, 15,000, 25,000, 3,12,500, 2,000, 22,500, 30,000, 5,94,000. क्रेडिट साइड पे भी करिए टोटल 1,40,000, 4,29,000, 25,000, बस कितना आ गया? 5,94,000, सेम आ गया. क्लियर? पक्का? पांच नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, ये 5 मार्क्स का.
अब आपको दूं एक क्वेश्चन, करोगे खुद? पक्का? चलिए अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आपसे दो क्वेश्चन करवाऊंगा, आप खुद करेंगे, दो क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे ट्रायल बैलेंस को रेक्टिफाई करने के लिए, यानी कि रीड्राफ्ट करने के। सिर्फ इसका बेसिक रूल क्या है कि एसेट और एक्सपेंस कहां आना चाहिए? डेबिट में। लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू कहां आना चाहिए? क्रेडिट में। बस इसका बेसिक रूल है। अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा मेरे से, सर जैसे ये रीड्राफ्ट करने के लिए आया बैलेंस मेथड, क्या रीड्राफ्ट करने के लिए टोटल मेथड भी आ सकता है? कैसे आएगा? टोटल मेथड में तो हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल पता होना चाहिए, उसके लिए तो उसे हमें क्या देनी पड़ेंगी? लेजर्स। इतना बड़ा पेपर वो प्रिंट नहीं करके देंगे, इसलिए नहीं आएगा। ठीक है, बैलेंस मेथड का आ सकता है। ये देखो वैसे मैंने नीचे बनाया हुआ है पूरा। खैर, आप ये वाला करो, अच्छा इसमें तो ट्रायल बैलेंस बनाना है, ये तो बन ही जाएगा। रीड्राफ्ट वाला देना मैंने आपको। यही वाला करेंगे, ये क्वेश्चन है, मैं इसके आगे से ये इरेज कर रहा हूं। हाँ याद कर लोगे आप तो, जैसे कर लिए याद। चलो बढ़िया है, अब बनाओ। आप अगर गलत हुआ ना फिर देख लेना। अच्छा, क्या क्लोजिंग स्टॉक कभी भी बैलेंस ट्रायल बैलेंस में नहीं आता? चलो बनाते बनाते सोचना, बनाओ बनाओ बनाओ। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं ये एक सीए से, मजाक नहीं, कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड पे आता है। आप पूछोगे सर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, वो पूछेंगे कभी भी नहीं आता, आप कह दोगे यस और आपका आ जाएगा आंसर रिजेक्टेड। बताऊंगा, करो। अच्छा, आपको इंडिविजुअल एग्जाम देना होता है या ग्रुप एग्जाम? नहीं, आप लोग आपस में बातें करके प्रैक्टिस कर रहे हो ना, मेरे को लगा ग्रुप में एग्जाम देने जाओगे। अपना अपना कर लो यार।
डन। हो गया आप श्योर? टोटल कर लिया दोनों साइड का, मैच कर गया। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा? डेबिट साइड। परचेजेस डेबिट साइड, सैलरीज डेबिट साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट साइड, वेजेस डेबिट साइड, वेजेस ड्यू क्रेडिट साइड, बिल्डिंग डेबिट, प्लांट डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड कहाँ आएगा? क्रेडिट। एडवर्टाइजमेंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट। पक्का डेबिट। प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट, एसेट है। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड यानी कि आपने रिटर्न दिया है। आप कब रिटर्न दोगे? जब आप परचेज करोगे। तो ये परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न क्रेडिट में आती है, तो ये गलत दिया हुआ है ना? रिटर्न आउटवर्ड गलत दिया हुआ है ना, कहां आएगा? क्रेडिट में। क्या वो कोई डाउट है कि रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है? आउटवर्ड का मतलब होता है गुड्स गए, और रिटर्न में गुड्स गए, रिटर्न में गुड्स कब जाएंगे? जब आपने उसे खरीदा होगा। तो यह परचेज रिटर्न है, सेल रिटर्न नहीं है। परचेज डेबिट होती है और परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, तो ये क्रेडिट में आएगा। क्लोजिंग स्टॉक आएगा लेकिन नीचे आएगा, मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस के बाहर नीचे लिखना है, भूलना मत, मार्क्स कट जाएंगे। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 3,24,000। क्लियर? अब इधर आ जाओ। सेल्स क्रेडिट में ही रहेगी, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, इक्विपमेंट डेबिट, रिपेयर्स डेबिट, ड्रॉइंग्स डेबिट, सन्ड्री रिसीट्स क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, ग्राउंड रेंट डेबिट, रिटर्न इनवर्ड डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट। ग्राउंड रेंट डेबिट, आपने रेंट दिया है ना, देखो जी ये रहा, चेक कर लो अपना आंसर, चेक कर लीजिए सभी आंसर। अभी दिखा रहा हूं नीचे किया होगा, चेक कर लो आंसर साथ साथ। जो सही है वो टिक लगाते जाओ, जो गलत है वो ठीक करते जाइए। ग्यारह लाख चार हजार रुपए आ रहा है टोटल, 11,04,000। याद रहे ट्रायल बैलेंस के नीचे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 3,24,000 लिखना मत बोलना, ठीक है? एनीबडी वॉन्ट्स टू गिव द रीजन कि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं आता है? फिर मैं एक क्वेश्चन और करवाऊंगा आपसे,
एंड देन ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं आता है, कोई भी बच्चा जो रीजन देना चाहता है। हाँ जी, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चलता है इसलिए नहीं आता। हाँ जी, तो क्लोजिंग स्टॉक भी तो उस डेट का निकाल सकते हैं हम कि आज के दिन इतना क्लोजिंग स्टॉक है। माय क्वेश्चन इज यस सर। ओके, मतलब मोर और लेस आपको रीजन पता, बट शायद आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। हाँ जी, और कोई बच्चा हु वांटेड टू गिव द रीजन? यस सर प्लीज। देखो सिंपल सा लॉजिक ये है, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस आपके ट्रायल बैलेंस में है या नहीं है? What is the meaning of closing stock? वो स्टॉक जो हमने खरीदा या पिछले साल से लेकर आए लेकिन वो बच गया। अब जो खरीदा और जो पिछले साल से लाए हो, ये जो बचा है वो उसमें इंक्लूडेड है ऑलरेडी या नहीं है? है ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो अगर आप दोबारा लिख दोगे तो वो तो डबल एंट्री हो जाएगी ना। तो ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस में ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट इंक्लूडेड होता है, हम दोबारा रिकॉर्ड नहीं करते। बट देयर इज वन केस जब हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, और वो केस होता है जब ट्रायल बैलेंस में परचेजेस के बदले एडजस्टेड परचेजेस आती हैं। क्या फर्क होता है मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। देखो ये दो तरीके होते हैं। पहला तरीका कि ट्रायल बैलेंस में हम ओपनिंग स्टॉक डालें और परचेजेस डालें, राइट? तो फिर हम बोलते हैं जब हमने ओपनिंग स्टॉक डाल दिया, परचेजेस डाल दिया, तो दैट मींस क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो गया। तो इसका मतलब अब क्लोजिंग स्टॉक नीचे आएगा, अलग से स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा जाएगा। बोलो बात समझ आई या नहीं? लेकिन अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाते समय वर्ड लिख देते हैं एडजस्टेड परचेजेस, क्या वर्ड लिखते हैं? एडजस्टेड परचेजेस, तो उस केस में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाता है डेबिट साइड पे। अब पॉइंट ये आता है कि सर ये एडजस्टेड परचेजेस क्या होती हैं? बेसिकली एडजस्टेड परचेजेस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ध्यान से सोचो, जब हम पहले लिख रहे थे फर्स्ट केस में, तब हम पहले केस में परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक दोनों लिख रहे थे, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी आ गया, हमने दोबारा नहीं लिखा। लेकिन दूसरे केस में हम ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस लिख के उसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, मतलब हम क्लोजिंग स्टॉक जबरदस्ती हटा रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक हट जाए। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक हट गया तो फिर हमें अलग से क्लोजिंग स्टॉक दोबारा लिखना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में। बोलो बात समझ आई या नहीं है? तो अगर कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि क्या क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता है, तो आप बोलोगे नो, बट देयर इज वन एक्सेप्शन। And what is that exception? If adjusted purchases is given in the trial balance, then closing stock shall appear in the trial balance. बोलो बात समझ आई या नहीं है? Clear है? पक्का? तो ये as it is आप अपने register में note कर लो, ताकि हमेशा आपको याद रहेगा कि adjusted purchases जो है वो हमेशा अगर आती हैं तो हमेशा closing stock trial balance में आएगा। मैं चाहूं तो आपको ये स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिखवा सकता हूं, बट ऐसे लिखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। देखो मैंने अभी आपको अभी तक तीन चैप्टर्स करवाए, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, और ये तीनों चैप्टर वो हैं जो आपने क्लास 11th में बेसिक में पढ़े थे, बिल्कुल सेम चैप्टर्स मैंने आपको करवाए। लेकिन
आप अपने आप से पूछ के देखना कि आपने इन तीन चैप्टर्स के अंदर कितना कुछ नया सीख लिया है, कंसेप्चुअली तो खासकर, कि आपने इतना सब चीजें नई सीख ली हैं कि जो आपने पढ़ा था वो और जो अब आपने आज पढ़ा है ये तीनों चैप्टर, उसमें कितना डिफरेंस आ चुका है, राइट? तो ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आता है या नहीं आता, उसका रीजन हमने दे दिया। एक क्वेश्चन हम और करेंगे, यही वाला जिसमें आपको ट्रायल बैलेंस रीड्राफ्ट करना होगा, दोबारा बनाना होगा, और वो क्वेश्चन कराने के दो रीजन है, लेकिन वो दोनों रीजन क्वेश्चन खत्म होने के बाद बताऊंगा। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। जी ये क्वेश्चन है, करिए स्टार्ट। कोई इनएक्सपीरियंस्ड बुक कीपर था, उसने ये ट्रायल बैलेंस बनाकर दिया है। अब आप तो एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो, तो आप सही करो इसको। और उसका देखो ट्रायल बैलेंस मैच भी नहीं कर रहा। कोई ट्रांजैक्शन या कोई वर्ड इसमें से कोई अकाउंट का मतलब नहीं समझ आता तो आप मेरे से पूछ लेना अभी। अच्छा एक क्वेश्चन आया पहले, वो भी क्लियर कर देता हूं कि सर आपने बोला कि एडजस्टेड परचेजेस आएगा तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, तो क्या उस केस में ओपनिंग स्टॉक आएगा क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में? नहीं, ओपनिंग स्टॉक तो एडजस्टेड परचेजेस में एडजस्ट हो गया ना। एडजस्टेड परचेजेस का मतलब ही क्या है? ओपनिंग स्टॉक को एडजस्ट करना है, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को एडजस्ट करना है, तो इसलिए उस केस में ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में नहीं आएगा। प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट होता है, रिजर्व्स एंड प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट होता है, रिजर्व्स एंड प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट होता है, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ इधर कैपिटल और लाइबिलिटी। मतलब अगर रिजर्व्स एंड प्रोविजन यूज हो गए तो लाइबिलिटी, अगर यूज नहीं हुए तो कैपिटल, और लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों क्रेडिट होते हैं, तो इसलिए रिजर्व्स एंड प्रोविजन भी क्रेडिट होता है। कैश क्रेडिट इज जस्ट लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट आर सिनोनिम, सेम मतलब है उन दोनों का। लिया है बेटा, कैश क्रेडिट हम देते नहीं है, लेते हैं, बैंक देता है, बैंक लिमिट देता है, सीसी लिमिट बोलते हैं ना हम, कैश क्रेडिट लिमिट, ओडी लिमिट, बैंक वर्ड यूज करता है ये आपने देखा होगा, सीसी लिमिट यूज करता है, ओडी लिमिट यूज करता है। जी बेटा, डेटर्स ड्यू फ्रॉम कस्टमर, मतलब कस्टमर से पैसे लेने हैं डेटर्स, और अगर ड्यू टू सप्लायर्स लिखा होगा तो क्रेडिटर्स। अब ठीक है,
ड्यू फ्रॉम कस्टमर आर डेटर्स, मतलब कस्टमर से पैसा लेना है तो ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स क्या होंगे, डेटर्स होंगे. अगर वर्ड लिखा होता ड्यू टू सप्लायर्स तो वो हो जाते क्रेडिटर्स. यस केशव, खत्म. नीचे टोटल है बेटा, टोटल का अमाउंट देख के क्या करना है. डन. चेक करवाऊं, करवाऊं चेक. सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट, कैश क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, ट्रेड पेबल्स क्रेडिट, ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ड्रॉइंग्स डेबिट, फर्नीचर डेबिट, कैरेज इनवर्ड डेबिट, परचेजेस डेबिट, रिटर्न इनवर्ड डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट. रिटर्न आउटवर्ड तो है नहीं, सॉरी, रिटर्न इनवर्ड क्या होगा, डेबिट. रेंट एंड रेट्स डेबिट, सैलरीज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, इन्वेंट्री, कौन सी इन्वेंट्री है, ये ओपनिंग या क्लोजिंग लिखा ही नहीं है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कौन सी है, ओपनिंग. हमें अजम्पशन नीचे लिखनी पड़ेगी, ठीक है. The given inventory in the question is assumed as opening inventory. And provision for depreciation on furniture, credit. अगर सिर्फ depreciation दिया होता तो expense होता, but अगर provision word use किया हुआ है तो वो provision है, वो credit side पे जाएगा. मतलब आपका कुछ ऐसा बना हुआ होगा, देखो ध्यान से, मैं दिखा रहा हूं आपको, आंसर देख लो, चेक करो. 250 क्रेडिट में, कैश क्रेडिट का 16544 क्रेडिट में, कैपिटल का 4591 क्रेडिट में, ट्रेड पेबल्स का 1637 क्रेडिट में, ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स का 2983 डेबिट में, डिस्काउंट रिसीव 252 क्रेडिट में, डिस्काउंट अलाउड 733 डेबिट में, ड्रॉइंग्स 1200 डेबिट में, ऑफिस फर्नीचर 2155 डेबिट में, कैरेज इनवर्ड 829 डेबिट,
परचेजेस 10,923 डेबिट, रिटर्न इनवर्ड 330 डेबिट, रेंट्स एंड रेट्स 314 डेबिट, सैलरीज 2520 डेबिट, सेल्स 16,882 क्रेडिट, इन्वेंट्री ओपनिंग अज्यूम करी तो इसलिए 2418 डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 364 क्रेडिट। सर मैच नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, सस्पेंस लिख दो 1225, सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड पे 1225 रुपए, और ये सस्पेंस का डेबिट बैलेंस होगा। अब ये नई चीज आ गई, पहले आप बोलते थे सर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड पे जो बचेगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा, और अब आप बोल रहे हो कि डेबिट साइड पे बच रहा है तो ये सस्पेंस का डेबिट बैलेंस होगा। ये क्या नई चीज आई है? हाँ सस्पेंस का डेबिट बैलेंस होगा, पर हमने तो पहले यही बोला था कि अगर डेबिट में बचेगा लेजर में तो वो बैलेंस क्रेडिट होता है। सर ट्रायल बैलेंस में तो बैलेंस बचता ही नहीं है, ये तो बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं हम कि भाई सस्पेंस में इतना पड़ा हुआ होगा तो जाकर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। तो मतलब सस्पेंस का डेबिट बैलेंस अगर 1225 रुपए होगा तो हमारा ट्रायल बैलेंस आपस में मैच कर जाएगा। इसका मतलब ये है हम बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, पहले ही बोल रहा हूं हम बैलेंसिंग नहीं कर रहे, हम ये देख रहे हैं कि डिफरेंस कितने का आ रहा है 1225 का, मतलब सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 1225 होगा तो ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। तो इसमें पहली चीज मैं क्या सिखाना चाहता था कि हो सकता है कि आपका ट्रायल बैलेंस मैच ना करे तो आपको उसे कहां डालना है, सस्पेंस अकाउंट। इस पूरे क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं यही सिखाना चाहता था, और दूसरी चीज जो मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बताना चाहता था कुछ ऐसा सा दिखता है आपका पेपर, जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा। ये नवंबर 2019 का पेपर है, यानी कि आज से 3 साल पुराना पेपर, लेकिन नवंबर 2019 के पेपर में क्वेश्चन नंबर 5th का ए पार्ट एक बार रीड करेंगे हम। एन इनएक्सपीरियंस बुक कीपर हैज ड्रॉन अप अ ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो अभी हमने किया, आपको ड्रॉ करना था करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बाय डेबिटिंग और क्रेडिटिंग एनी रेजिडुअल वैल्यू टू अ सस्पेंस अकाउंट। 5 नंबर का क्वेश्चन अभी अभी आपने किया। तो मेरा दूसरा पर्पस ये था ये बताने का कि पेपर में वही क्वेश्चन आते हैं जो हम क्लास में करते हैं, सो डोंट वरी, चिंता मत करना, ठीक है। ये मत सोचना कि क्लास में हम इजी क्वेश्चन कर रहे हैं पेपर में बहुत डिफिकल्ट आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वही सेम क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे जो हम क्लास में करेंगे। ओके क्लियर है ये क्वेश्चन? एनी डाउट टू एनीवन? मेरे को एक डाउट है, आप नहीं पूछते तो मेरे को पूछना पड़ता है। सर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट में क्यों आया? सर क्योंकि प्रोविजन क्रेडिट में आते हैं, क्योंकि रिजर्व्स भी क्रेडिट में आते हैं, आपने बोला था अभी अभी। अरे बोला था तो क्या हो गया, रीजन तो होगा कोई ना कोई। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट में क्यों आया? आपको याद है क्लास 11th में आपने मशीनरी अकाउंट बनाना सीखा था, उसमें आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे क्रेडिट साइड पे, यस। लेकिन उसके बाद एक टॉपिक था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, जिसमें आप मशीनरी बनाते थे कॉस्ट पे और एक डेप्रिसिएशन के लिए अलग से अकाउंट बनाते थे जिसका नाम होता था प्रोविजन फॉर। तो अगर अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा तो उसका बैलेंस मशीनरी से ऑपोजिट होगा, मशीनरी का डेबिट होता था तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्या होगा, क्रेडिट होगा। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? क्योंकि डेप्रिसिएशन कौन सी साइड पे लगता है, क्रेडिट साइड पे, मशीनरी की क्रेडिट साइड पे लगता है डेप्रिसिएशन। तो इसीलिए अगर हम मशीनरी अकाउंट में बना देते तो हमारी मशीनरी अकाउंट में ही सब कुछ एडजस्ट हो जाता, लेकिन हमने क्योंकि मशीनरी अकाउंट कॉस्ट पे मेंटेन किया है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो क्रेडिट साइड पे आएगा। ये चीज मैं डेप्रिसिएशन चैप्टर में क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी, मैं चैप्टर में क्लियर कर दूंगा, बट फिलहाल ये चीज समझानी जरूरी थी। क्लियर है सबको? एनी डाउट टू एनीवन? सो वी हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर, जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। मैं आपको ट्रायल बैलेंस के कुछ क्वेश्चन आज क्लास के बाद भेजूंगा आपके ग्रुप में, ग्रुप वही है हमारा टेलीग्राम का, जो बच्चा एडिड नहीं है वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, नंबर मेरा सबके पास होगा, अगर किसी के पास नहीं है तो आप आसपास वाले बच्चों से ले लेना, ठीक है? ओके ट्रायल बैलेंस के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं जरूर आपको क्लास के बाद भेजूंगा।
ये कंफर्म है सर। क्लास खत्म? नो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 दिया था मैंने आपको, प्लीज चेक योर आंसर, चेक योर आंसर। यस प्लीज, समवन इज आस्किंग माय नंबर। तो मेरा नंबर है 9911818666। ओके, सेकेंड एंट्री समझा दो सर। सेकेंड एंट्री में हमारे को 25,000 का एडवांस मिला है, तो 25,000 के एडवांस की जर्नल एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आया और जिस बंदे से आया उसका नाम क्रेडिट हो जाएगा एडवांस लिखकर साथ में, क्योंकि पता होना चाहिए पैसा एडवांस में आया है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू AKN कंपनी एडवांस अकाउंट। ठीक है, देखो कैश और बैंक अगर कुछ ना लिखा हो तो प्रेफरेबली आप बैंक लिखो तो बेटर रहेगा। कैश को जितना अवॉइड कर सकते हो करो, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद कहीं ना कहीं सब कुछ बैंक में शिफ्ट हो गया धीरे धीरे। हाँ जी, हाँ बैंक लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलता रहा हूं कैश और बैंक के बदले आप कुछ भी लिख सकते हैं, चेक करते जाइए, मैं नीचे कर रहा हूँ साथ साथ। एंड आफ्टर द क्लास आई विल सेंड द आंसर्स इन द ग्रुप। जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया होगा वो होमवर्क करने के बाद इसी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ कर रहा हूँ भाई, मैं अपने आप करता रहूंगा साथ साथ। कहां पर चेक इन हैंड आना चाहिए भाई? सेवेंथ में चेक इन हैंड ही तो लिखा है मैंने, सेवेंथ में तो मैंने चेक इन हैंड ही लिखा है। डिपॉजिट नहीं हुआ पर क्वेश्चन में लिखा है ना नॉट डिपॉजिटेड इन द सेम डे, तो आपको चेक इन हैंड ही लिखना है। सिक्स एंट्री, देखो फिरोज से आपने 20,000 रुपए लेने थे, वो चेक डिसऑनर हो गया। फिरोज से आपने एक चेक आया था और वो चेक क्या हो गया? डिसऑनर। आपने एंट्री पास कर दी बैंक टू फिरोज करी थी, अब आपने रिवर्स एंट्री पास कर दी फिरोज टू बैंक। ठीक है, आपने रिवर्स एंट्री पास कर दी फिरोज टू बैंक, क्लियर। अब वो कह रहा है जो फिरोज से पैसे आने थे ना उसमें 40 पैसा इन रुपी आया सिर्फ, यानी कि जो 20,000 आने थे वो 20,000 में से 40% आए हैं, 60% बैड डेट्स हो गए। सेकेंड एंट्री के अंदर चेक इन हैंड नहीं आएगा, क्योंकि कहीं क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि हमने सेम डे डिपॉजिट नहीं किया, तो जब तक नहीं लिखा होगा हम यही मान के चलेंगे कि हमने सेम डे डिपॉजिट कर दिया है। यस, नाइन्थ की एक बात बताओ,
नाइन्थ की सेकंड समझने के लिए पहले एट्थ सुनो। एट्थ में आपने वरुण से 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे और वो गुड्स आपने अरुण को बेच दिए 20,000 के। 10 वाले 20 में बेचे तो अगर 6 के रिटर्न आएंगे आप वो रिटर्न करोगे तो 3 के ही रिटर्न करोगे ना आप। तो बोलो बात समझ आई नहीं आई? 10 वाले खरीद कर 20 में बेचोगे तो 6 वाले रिटर्न वापस रिटर्न कितने में होंगे? 3,000 में। क्लियर? तो इसीलिए यहां पे 3,000। देखो पहले मैंने 6,000 से लिख के काट के 3,000 किया है क्योंकि ये बात क्लियर होनी चाहिए कि 6 से क्यों नहीं हुई है। देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपसे गुड्स खरीदे 10,000 के और मैंने आगे बेच दिए 20 के, राइट? आपके 10,000 वाले गुड्स जब मैंने आगे 20 के बेचे, मान लो पूरे रिटर्न आ जाते, तो वो मुझे कितने के गुड्स रिटर्न करता? 20 के। और मैं आपको वापस करता तो 20 के थोड़ा ना करता, मैं तो आपको 10 के ही देता ना। तो सिमिलरली अगर उसने मुझे सिर्फ 6 के किए तो मैं तो आपको 3 के ही करूंगा ना, 30% गुड्स रिटर्न हुए ना, ये मतलब है। यस हाँ, टेंथ पार्ट। देखो हमने इसमें टीवी परचेज करे हैं पर टीवी इतने ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करे थे इसलिए मैंने क्या करा है, मैंने ये मान के चल लिया कि अगर आप टीवी को एसेट मानते हो तो टीवी लिख देना और अगर आप टीवी को परचेजेस मानना चाहते हो तो आप परचेजेस वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो मैंने दोनों यूज करे हुए हैं और सेल के टाइम पे मैंने सेल और टीवी दोनों से एंट्री पास करी हुई है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, अगर आप टीवी मान के चलोगे तो आपको प्रॉफिट अलग से शो करना पड़ेगा, अगर आप सेल्स मान के चलोगे तो प्रॉफिट अलग से शो करने की जरूरत नहीं। तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, मैंने दोनों एंट्री पास करी हुई है क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था और बहुत ज्यादा टीवी थे तो कई बच्चों ने उसको परचेजेस मान लिया, कई बच्चों ने उसको एसेट मान लिया, तो मैंने दोनों से एंट्री पास कर दिया। वो गलती से लिखा हुआ है, क्या है एक्चुअली, क्या है कि मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन को बनाने के लिए ना, जो अच्छी अच्छी एंट्री होती है वो इधर उधर से उठाकर ले आया और टाइप कर दी एक जगह पे, तो वो कभी कभी पुनीत वर्ड ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पुनीत करना मैं भूल गया, वो सिर्फ इस वजह से हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरा पर्पज क्या होता है, मेरा पर्पज होता है सारा ना करवा के जो अच्छी अच्छी एंट्रीज है वो करवा दो। तो अब इसके अंदर ये एंट्री जो सेल वरुण और उनकी एंट्री थी ये किसी और क्वेश्चन की थी और परचेज की एंट्री क्वेश्चन की थी, तो मर्ज करने के लिए मैंने ऐसा किया। क्लियर है ये? यस, आधे बच्चे तो यही सोच रहे हैं आराम से चेक कर लेंगे, घर पे सर ने पीडीएफ तो भेज ही देनी है, पर ये नहीं सोच रहे कि आप लोगों के डाउट्स होंगे, जो घर पे चेक करेगा उसके डाउट्स बेचारे के रह जाएंगे ना, ये भी तो सोचो। थर्टींथ में क्या, जैसे पहले लॉस की करोगे फिर इंश्योरेंस क्लेम की करोगे, मतलब इन दोनों का मतलब लॉस का भी? क्यों बेटा, लॉस इंश्योरेंस पूरा थोड़ा ना एक्सेप्ट हुआ था, इंश्योरेंस क्लेम कितना एक्सेप्ट हुआ जरा, 75,000 कहां है? ये देखो इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ 75,000, मतलब इंश्योरेंस क्लेम कितना एक्सेप्ट हुआ है सिर्फ 75,000, तो मैं सारी कैसे कर सकता हूं, मेरा लॉस तो ज्यादा हुआ है ना, लॉस तो मेरा 1,12,000 रुपए का हुआ है, तो बाकी 37,000 तो मेरा ही नुकसान होगा। बिल्कुल, इनपुट जीएसटी रिवर्स हो जाएगा, आप गुड सेल नहीं कर पाए ना, ऐसे तो फिर क्या होगा, मान लो जो गुड्स मेरे सेल नहीं हो रहे होंगे मैं परचेज कर लूंगा और उसको लॉस दिखा दूंगा, आगे तो लगानी है, लग जाएगी कभी भी। यस, तो वो सीएजी, वो ये बताने के लिए था कि सीजीएसटी और एसजीएसटी में लगेगा या आईजीएसटी लगेगा, वो ये बताने के लिए था।
ठीक है? यस, थोड़ा सा तेज बोलो प्लीज। इंश्योरेंस प्रीमियम जो हम पे करते हैं, आपके हिसाब से क्या मानना चाहिए? एसेट क्या होती है जो फ्यूचर में हमें डेफिनेटली बेनिफिट देती है, डेफिनेटली, है ना? और एक्सपेंस क्या होता है? जो फ्यूचर में बेनिफिट दे सकता है, जो फ्यूचर में बेनिफिट दे सकता है। इंश्योरेंस डेफिनेटली बेनिफिट देगी या दे सकती है? श्योर नहीं होता। क्यों श्योर नहीं होता? क्योंकि बेनिफिट तो तब मिलेगा कि जिस इवेंट के लिए आपने इंश्योरेंस कराया है वो इवेंट अकर हो जाए, तभी तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। तो जरूरी नहीं है कि वो बेनिफिट देगा, तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड हमारी क्या होती है? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड क्या होता है? एक्सपेंस। लेकिन LIC या फिर लाइफ इंश्योरेंस जो हम पे करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, उसका एक रूल, मतलब उसमें एक क्लॉज होता है कि एटलीस्ट आपने जितना प्रीमियम पे करा है 20 साल बाद आपको वो वापस मिल जाएगा, भले ही आप उस टाइम तक वो इवेंट यानी कि मरो या ना मरो, आपको वापस मिल जाएगा 20 साल के बाद। तो कई लोग कहते हैं फिर तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई एक तरह की, कि अगर मैं जिंदा रहा तो मेरे को वापस मिल जाएगा, नहीं जिंदा रहा तो फिर तो बुक्स का क्या करना है, चार डालना है। तो उस केस में हम उसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है? गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड टू मिस्टर एक्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। तो मतलब ये जो 40,000 है ये 80% है, मतलब सेल का अमाउंट कितना होगा? 50,000। फिर 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, मतलब कि 45,000। और फिर उसमें 45,000 में 6-6% क्या ऐड करना है? CGST और SGST। तो 45,000 का 6% होता है 2,700, तो 50,400 हो जाएगा। 50,400, उसका 2% हमें क्या लगाना है? कैश डिस्काउंट। ये रहा 50,000 में से सबसे पहले 5,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया 45, फिर 2,700, 2,700 क्या ऐड कर दिया उसमें? CGST और SGST, 50,400, फिर ₹1,008 डिस्काउंट दे दिया। अब एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा कि सर एक बात बताओ, ये डिस्काउंट आपने 45,000 पर क्यों नहीं दिया, आपने पूरे अमाउंट पर क्यों दिया? देखियो, ये डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट, और कैश वो आपको पूरा देगा, सिर्फ 45 नहीं देगा, कैश वो आपको पूरे के पूरे 50,400 देगा। तो इसलिए हमें डिस्काउंट पूरे पे देना पड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट पहले पे माइनस होता है। 14th, में हमने एक मशीनरी खरीदी है 56,000 इंक्लूडिंग 6,000 का GST, यानी कि 50 की मशीन है, 6,000 का GST है, और उसके बाद कार्टेज पे करी 5,000 और 10,000 इंस्टॉलेशन चार्ज। तो देखो सिंपल सी बात है, 56,000 में से तो 50,000 मशीनरी में जाएगा, 6,000 GST में जाएगा, और जो 5,000 कार्टेज और इंस्टॉलेशन 10,000 है वो दोनों कहाँ जाएंगे? मशीनरी में। तो मशीनरी में चला जाएगा टोटल 65,000, और उसमें GST में जाएगा 3,000 CGST, 3,000 SGST, और इस तरीके से एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? 16th वाले में क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में दिया है? तो बस फिर तो क्वेश्चन पे चलेंगे ना। क्वेश्चन करते समय एक बात याद रखना, क्वेश्चन ही भगवान है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा था, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन के अंदर पूरे क्वेश्चन के लिए नीचे एक इंफॉर्मेशन दी थी कि ये GST का पूरा फंडा रहेगा। यहां पर जिसमें GST है उसमें क्वेश्चन में अलग अलग मेंशन है, हर एंट्री में मेंशन है, तो जिसमें मेंशन है लेंगे, जिसमें नहीं मेंशन नहीं। हो सकता है किसी मशीनरी में हमें GST का इनपुट ना मिलना हो, इसलिए क्वेश्चन ने नहीं दिया, ठीक है? तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करेंगे।
सर 13th एंट्री में जीएसटी नहीं है, फिर भी आपने क्यों डाला? क्योंकि 13th एंट्री में क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है दैट दीज गुड्स वर परचेज्ड विद इन डेली, तो ये वो जो पर्पस है विद इन डेली बोलने का, उसका मतलब यही था कि आपने आईजीएसटी नहीं लेना, सीजीएसटी और एसजीएसटी लेना है, तो वो पर्पस बता रहा है आपको, तो भले ही स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था बट यहां पर आपको हिंट दिया हुआ है उससे रिलेटेड, इसलिए लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर टू चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू वॉज इजी एज कंपेयर टू वन, आई गेव द आंसर केशव। चलिए पहली एंट्री कैश टू कैपिटल 25,000 से होगी और दूसरी बैंक टू कैपिटल, अमाउंट नहीं लिखा है, 2,25,000 से। ठीक है, कैश टू कैपिटल 25,000 से, बैंक टू कैपिटल कितनी होगी? 2,25,000। आगे की एंट्री चेक कर लो। कर रहा हूं सर, नीचे भी करूंगा, पहले ये तो चेक करने दो। तो सर एक क्वेश्चन आया है, सर एनपीओ कब होगा? भाई अगर पहली क्लास में फाउंडेशन में एनपीओ करा दूंगा तो मैं खुद एनपीओ में काम करने बैठ जाऊंगा। एनपीओ होगा कम से कम 4 या 5 चैप्टर्स होने के बाद। 4 या 5 चैप्टर का मतलब होता है चैप्टर, यूनिट्स नहीं बोल रहा, ये जो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स और रेक्टिफिकेशन, ये एक चैप्टर है। ठीक है, तो मैं यूनिट्स नहीं चैप्टर बोल रहा हूं, तो 5 चैप्टर होने के बाद 6ठा चैप्टर होगा एनपीओ। मतलब रमेश एंड कंपनी ने 51,300 पे करे थे, 2,700 रुपए का डिस्काउंट था। मतलब $60,480। तो आप ये कहना चाह रहे हो यहां पर हमने पूरी पेमेंट क्यों नहीं करी, जीएसटी का अमाउंट क्यों नहीं पे किया? क्वेश्चन ने बोला यार बाद में कर देगा पे। मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि वो पे नहीं करेगा, मैं तो यही कह रहा हूं कि उसने पे कर दिया, अभी 54 दे दिया, बाकी बाद में दे देगा, बिजनेस है, चलता रहता है ये। तो फुल सेटलमेंट लिखा होता तो वो दिक्कत होती जो आप बोल रहे हो, लेकिन यहाँ फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं यूज किया है, मतलब बाद में वो देगा जीएसटी का अमाउंट। और जीएसटी के अमाउंट में सबसे बड़ा पंगा क्या होता है, सुनो ध्यान से, ध्यान से समझना। मैंने आपको सेल करी 1,00,000 रुपए के गुड्स, 18,000 का जीएसटी लगाया, आपने मुझे कितने पैसे देने हैं? 1,18,000। आज क्या डेट है? आज है 17 जून, 17 जून है। ये 17 जून, जून की जो रिटर्न जाएगी वो रिटर्न जाएगी 10-11 जुलाई को, और मुझे टैक्स जमा कराना है 20 जुलाई को। सरकार को टैक्स कब देना है? 20 जुलाई को। अब जो मान लो आप हो, आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो, तो आप तो मुझे पैसे दे दोगे सारे 1,18,000। पर मान लो आपको ये ट्रस्ट नहीं है कि अगर मैं इनको 1,18,000 दे दूं और कल को 1,00,000 के गुड्स तो मुझे मिल गए, ये जो 18,000 का टैक्स है अगर मैंने गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया तो आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा, तो आपको 1,00,000 वाले गुड्स कितने के पड़ जाएंगे? 1,18,000 के। आपका 18,000 का क्या हो जाएगा? नुकसान, क्योंकि आपको इनपुट नहीं मिला। तो हो सकता है मुझे ये बात बोलो कि सर 1,00,000 आप अभी पकड़ लो, रिटर्न फाइल कर देना 11 तारीख को, रिटर्न फाइल कर देना, उसमें 18,000 रुपए बाद में मेरे से आप ले लेना। जिस दिन आप रिटर्न फाइलिंग में ये दिखा दोगे कि आपने मेरे को सेल करी है, आप मुझसे 18,000 रुपए लेके गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देना। वैसे भी आपको डिपॉजिट तो 20 तारीख को करने है ना, तो आप अभी क्या करोगे पैसे का? ठीक है, तो इस तरीके से भी बिजनेस में कई बार ट्रांजेक्शन होती है कि भाई 1,00,000 के गुड्स मैंने आपको बेचे, आपने मुझे 1,00,000 दे दिया, अभी बाकी 18,000 रिटर्न फाइल कर दो, 11 तारीख को रिटर्न फाइल कर दो, GSTR 1 बोलते हैं जिसको। 11 तारीख को जैसे ही मैं फाइल करूंगा उसमें मैंने आपकी सेल डाल दी,
13 तारीख को वो आपके पोर्टल पे शो कर देगा कि आप जो मैंने सेल डाली है वो आपने क्या करी है, परचेज, यानी कि आपको उसका 18,000 रुपए का इनपुट मिल जाएगा। अब आप मेरे को 18,000 दे देना, 20 तारीख को मैं 18,000 गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। इन केस में 20 को गवर्नमेंट को नहीं पे करता 18, तो उसको आपका कोई लेना देना नहीं है, फिर मेरे पे पेनल्टी लगेगी, क्योंकि मैं तो 11 तारीख को ये शो कर चुका हूं कि मैंने आपको सेल कर दी है। ये चीज होती है। तो इस तरीके से हो सकता है ऐसी कोई ट्रांजेक्शन इन दोनों के बीच में भी हुई हो। अच्छा, एक और क्वेश्चन का डाउट आया है, वो ये कि सर रेंट में लिखा है कि 3 महीने का पे किया है अप टू मार्च, तो प्रीपेड रेंट नहीं आएगा? अरे भाई, प्रीपेड रेंट अगले साल के लिए आता है। यहां पर हमने 3 महीने का पे किया है, जनवरी, फरवरी और वो तो इसी साल है, अगला साल तोड़ना है। हाँ, अगर ये जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल होता तो मैं फिर 1 महीने का क्या ले लेता, प्रीपेड, लेकिन ये जनवरी, फरवरी, मार्च था इसलिए मैंने प्रीपेड नहीं लिया। पर गुड क्वेश्चन। दैट्स इट। Is it clear to everyone now? So we have completed 3 chapters, journal, ledger and trial balance. From the next class onwards, we will start the subdivision of journal, that is subsidiary books and cash book. ठीक है? Next class में कोशिश करेंगे cash book और subsidiary books 2 classes में खत्म हो जाए, and then we will start the most important chapter, that is rectification of errors. But उसको start कराने से पहले मुझे subsidiary books और cash book करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि subsidiary books और cash book का concept जो है वो रेक्टिफिकेशन में यूज होगा। ठीक है, आज की क्लास का होमवर्क मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, जो ट्रायल बैलेंस का होमवर्क है, और इन 2 क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने लेजर बहुत ही सुथरे वे से बना रखी है, सुथरा वे मतलब साफ बिल्कुल पेंसिल स्केल यूज करके, तो वो भी बच्चा स्कैन करके लेजर्स के जो आंसर्स हैं वो उस पर सेंड कर देना, ताकि बाकी बच्चों को आंसर चेक करने के लिए मिल जाए। ठीक है, अदरवाइज है मेरे पास भी, पर मैंने साफ नहीं बनाई होगी। ठीक है, होगी तो मेरे पास भी कहीं ना कहीं, बट मैंने साफ गारंटेड नहीं बनाई होगी, मैं साफ नहीं बनाता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।